गर्मियों में खासकर बच्चों में आपने बहुत बार देखा होगा नाक से खून आने लग जाता है। तो ये नाक से खून आने क्यों लग जाता है, इसके ऊपर अपने को समझना चाहिए। हम तुरंत घबरा जाते हैं क्योंकि बच्चा है और बच्चे की नाक से खून आता है, कई बार घबरा जाते हैं, पता भी नहीं चल पाता, तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। इतना मुश्किल नहीं है, घर में अगर थोड़ा सा हम सावधानी रखें तो इस तरह की चीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना है, कभी भी बच्चे की नाक से अगर खून बह रहा है तो ये देखना है कि टेम्परेचर गर्म है क्या, गर्मी का एटमॉस्फेयर है क्या। अगर गर्मी का एटमॉस्फेयर है तुरंत बच्चे को ज़मीन पर आराम से लेटा देना चाहिए। लेटाने के बाद में जो मस्तिष्क है, जो सर का हिस्सा है, यहाँ पर अपने को थोड़ा ठंडा गीला कपड़ा जो है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, थोड़ा ठंडा गीला कपड़ा जो है वो आराम से लगाना चाहिए। उससे क्या है, यहाँ की नाड़ियाँ जो है वो थोड़ी सी गर्मी के अंदर जो है आराम पाती हैं और नाक जो है वो निकलना जो है उसको बंद हो जाता है खून वगैरह। कई लोग ज़्यादा बर्फ़ भी लगा देते हैं, थोड़ा सा हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि गर्मी के टेम्परेचर में एकदम ठंडा करोगे तो ये भी ठीक नहीं है। तो हल्का सा थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का करके ठंडा करेंगे तो इस तरह की चीज़ को अवॉइड किया जा सकता है। तो हो क्या रहा है, बेसिकली इसकी चीज़ को समझे कि जब गर्मी का टेम्परेचर बढ़ता है तो बच्चों की नाक की यहाँ पे सारी कैपिलरीज हैं, है ना, हमारी आर्टरीज भी है, वेंस भी हैं, कैपिलरीज हैं, इससे जो है वो खुल जाती हैं, वो थोड़ी सी, तो उसके कारण जो है वो रक्त धारा जो है बाहर निकलती है। जब हम बच्चे को इस तरह लेटाते हैं और मस्तिष्क का पूरे चेहरे के हिस्से को हम थोड़ा ठंडा करते हैं तो वो दोबारा से संक्षिप्त हो जाएंगी, वो दोबारा से जो है थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी और ये रक्त धारा निकलनी बंद हो जाएगी। ये एक चीज़ है जो अपने को कभी भी किसी को देखने को मिले तो ये सावधानी अपन ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा इसका कारण ये होता है कि जो नाक के अंदर ड्राइनेस, गर्मियों में क्या होता है, खुश्की हो जाती है, होंठ फटने लग जाते हैं, नाक के अंदर ड्राइनेस हो जाती है। अगर ये खुश्की बहुत ज़्यादा रहेगी, अगर ये ड्राइनेस बहुत ज़्यादा रहेगी तो इस तरह से रक्त धारा का निकलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अपने को करना क्या चाहिए, अंदर प्रॉपर मॉइस्चर बच्चों की नाक के अंदर रखना चाहिए। अब प्रॉपर मॉइस्चर रखने के तरीके क्या हैं, एक बड़ा आसान तरीका है, क्या घर में शुद्ध देसी गाय का घी होगा, शुद्ध देसी का गाय का घी आपने अलग से एक थोड़ी सी डिब्बी के अंदर ले लिया और वो बच्चों की नाक के अंदर अंदर नॉस्ट्रिल में लगा लिया। इसके बहुत फ़ायदे हैं, इसके बहुत सारे फ़ायदे ये हैं कि एक तो घी आपने लगाया तो ये रक्त धारा नहीं निकलेगी आसानी से, तो केवल इतना करने मात्र से आप जिन बच्चों में इस तरह की दिक्कत आती है उसको बहुत हद तक रोक सकते हैं। दूसरी बात, अगर इस तरह से घी लगाते हैं नाक के अंदर या ऑयलिंग करते हैं थोड़ा नाक में, अगर घी भी नहीं है घर के अंदर, कोई भी तेल है, सरसों का तेल है या कुछ है, नारियल तेल है, वो भी लगा दोगे तो अंदर ऑयलिंग होने से क्या होता है, कई बच्चे बाहर जाते हैं तो एकदम छींकें लग जाती है, टेम्परेचर वेरिएशन होता है, कहीं एकदम गर्मी से ठंड में गए, ठंड से गर्मी में गए, तुरंत उनको ठंड लगने के इस तरह के खतरे होते हैं। तुरंत बच्चे की नाक के अंदर हल्का सा ऑयल लगा देना चाहिए। उससे क्या होता है कि एक तो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन इतनी जल्दी नहीं होता शरीर का, और बाहर का कोई एलर्जन है, कई बच्चे हैं फूल सूंघते हैं या कुछ भी बाहर जाते हैं, हल्का सा भी इधर उधर का एलर्जन आया, छींकें लग जाती हैं, इतना केवल करने मात्र से आप बच्चे को इन चीज़ों से बचा लोगे, एलर्जन से बचा लोगे, ये फ़ायदा हो जाता है। तो अगर अपने घर के अंदर घी है, तेल है, इतना कर लेंगे तो बहुत अच्छा, शुद्ध तेल होगा तो और अच्छा, केमिकल फ्री होना चाहिए। ऐसा ही एक गौशाला ने बनाया नोज़ बाम, तो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में लेडी हैं जिन्होंने ये चीज़ बनाई है। उन्होंने क्या प्रयोग किया, उन्होंने इसमें देसी गाय का जो शुद्ध हाथ से बिलोया हुआ घी होता है उसको जो है वो इसमें इस्तेमाल करती हैं, साथ में जो देसी गाय के गोबर की राख की भस्म होती है उसको उसमें डालती हैं ताकि इसकी औषधीय ताकत बढ़ जाए, और इसी के साथ साथ में गौमूत्र थोड़ा सा डालती हैं ताकि इसके अंदर पंचगव्य जो है वो बनना शुरू हो जाए। तो अगर इस तरह का घी हम नोज़ बाम में, मैंने आपको बताया घर का घी भी काम करेगा, बहुत ज़्यादा हम इस तरह की एफिकेसी को बढ़ाना चाहते हैं तो नोज़ बाम को हम रेकमेंड कर सकते हैं जो पास के ऑर्गेनिक स्टोर में आपको मिल सकता है। दूसरी एक तरीका भी है, वो क्या तरीका है, इससे भी ज़्यादा अच्छा तरीका है, वो ये, रात को सोते वक्त बच्चे की नाक के अंदर हम नास्या यानी पंचगव्य घृत जो होता है उसकी दो दो बूंदें डाल सकते हैं क्या। तो अगर ये करते हैं तो ये कौन सा कर्म हो जाता है, नास्य कर्म हो जाता है, ये पहले की वीडियो में बताई हुई है। जिन बच्चों की नाक में इस तरह रात को दो दो बूंदे घी की डलती हैं उसकी एक तो नाक के अंदर मॉइस्चर रहेगा ऑटोमेटिक, दूसरी बात क्या है, मस्तिष्क बहुत तेज़ होगा, मस्तिष्क तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका है नाक से जाना, तो ऐसे बच्चों की बौद्धिक क्षमताएँ भी बहुत बढ़ती हैं। तो दो तरीके हैं, या तो नास्य जैसी चीज़ जो है इसकी दो दो बूंदे रात को डाल दो तो सारी जितनी भी प्रॉब्लम है उन सबका आप निवारण कर देंगे, साथ में बच्चे का बौद्धिक बल बहुत बढ़ेगा, और आपको लगे कि बच्चा नास्य नहीं डलवा रहा क्योंकि गौमूत्र होता है तो बच्चे को थोड़ी स्मेल आती है, कहीं कहीं बच्चे जिनको शुरू से अभ्यास नहीं है वो नहीं डलवाते नाक में, उस केस के अंदर कम से कम इस तरह का नोज़ बाम बच्चे की नाक के अंदर ज़रूर लगाएं, गर्मियों में सर्दियों में ज़रूर लगाएं। सर्दियों में अगर लगाएंगे तो जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होकर बच्चे को इतनी जल्दी सर्दी जुकाम होता है उससे थोड़ा बचाओगे, गर्मियों में अगर लगाएंगे तो ये जो रक्त धारा निकल जाती है इधर उधर जाकर वो चीज़ से हम बचा लेंगे।
तो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके ऐसी समस्याओं से बचा जा सकता है। भारत वंदे मातरम।